दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं माय बिगिन फो यूट्यूब चैनल और आज हम लाके आए हैं, लेकर आए हैं नथिंग टू ए के कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल जो कि आपको यूज़ करने के बाद एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होने वाला है। देखिए, ये फ़ोन है काफ़ी अच्छे बड़े बड़े अपडेट्स के साथ आता है, बीच बीच में बग्स आते हैं वो आप अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आपको अपने फ़ोन में चले जाना है और सेटिंग के अंदर जाना होगा आपको, जो कि सबसे आखिरी में मिलेगा आपको सिस्टम्स के अंदर आपको जब मिलेगा तो वहाँ पे आप जाके इसके जो सिस्टम अपडेट है वहाँ पे आप एक बार देखिए, वहाँ पे टैप कीजिए, वहाँ पे आप कुछ भी अपडेट मिलता है वो अपडेट जरूर कीजिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके बाद। साथ का दूसरा ऑप्शन एक अच्छा सा बता देते हैं, उसी के अंदर आपको और भी मिलेगा जो इसका रैम बूस्ट है वो काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। यदि आप इसने फ़ोन ले लिया है तो बाई डिफ़ॉल्ट 2 GB रैम आती है प्लस के साथ में, तो वो जरूर कीजिए। सिस्टम के अंदर जाएंगे, सिस्टम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रैम बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा और रैम बूस्ट में आप 8 GB तक रैम बूस्ट कर पाएंगे। तो 8 GB करेंगे यानी 8 GB सिस्टम की है और आपकी 8 GB इस रैम बूस्ट की, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो 8+8 GB हो जाती है, जो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देगी आपके फ़ोन को यूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ ज़रूर करें, इसके बाद आपका फ़ोन लैग वगैरह करता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी उसको सॉल्व होने में। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। साथ में यहाँ पे अगर आप दूसरी ट्राई करें तो यहाँ स्क्रीन को टैप करके रखते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है विजेट्स का ऑप्शन। यहाँ पे विजेट में जाके आप बहुत सारे विजेट्स वगैरह लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती है आपके नथिंग फोन 2A को। तो ये चीज़ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो राउंड सर्कल मिल जाता है, यहाँ पे आप किसी भी सर्कल पर होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको इनलार्ज का ऑप्शन मिल जाता है, जितना आप उतना लार्ज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी उन सबको वहीं से यूज़ कर पाएंगे। तो ये सब भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि अदर फ़ोनों में नहीं आती हैं। तो ये यहाँ पे आपको एक स्पेशल सा लुक बना के देते हैं, ये इस तरीके से आप इसका यूज़ कर पाएंगे। साथ में आपको वॉल पेपर के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको टैप पे रखना है और आपको कस्टमाइजेशन में चले जाना है। यहाँ पर वॉल पेपर पर नीचे सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने का क्रिएट वॉल पेपर मिलेगा आपको। यहाँ पर 2 तरह के आप वॉल पेपर ऊपर से उठा सकते हैं और नीचे जो आप लगाएंगे वो AI आपको अपने आप ही आपको वॉल पेपर बना के दे देगा, जो काफ़ी ही कूल फीचर्स लगता है। और इस तरह के फीचर्स को यूज़ करके आप अपने बहुत सारे AI के टूल से बहुत सारे वॉल पेपर बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी ही अलग ही फीचर्स है जो कि इसी नथिंग फोन में मिलता है। साथ में आपको जो ग्रिप लाइट मिलती है उसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जस्ट यहाँ पे ऑफ करके भी रख सकते हैं, ये अच्छा फीचर्स है। जैसे कि आप अगर ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो आप यहाँ पे फीचर को क्लिक कीजिए, इसको ऑफ कर लीजिए, ये बहुत सिंपल मिल जाता है कि आपको ज़्यादा लाइटिंग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सब आपको मिल जाएगा। अब बात करें बहुत सारे लोगों को जो पता नहीं होता है जो इसका डॉट मैट्रिक्स वाला जो फंडा है, मतलब इस तरह के आइकन वगैरह आते हैं वो कैसे आते हैं। जो आपने फ़ोन लिया नहीं पता है आपको तो वो आप देख लीजिए, होल्ड करके रखिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइजेशन में मिलेगा आइकन पैक नहीं आता है, आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको फिर गूगल स्टोर पर लेके जाएगा, वहाँ से आइकन पैक स्टोर कर लीजिए और उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप ये वाला जो आइकन पैक है वो यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी यूनिक लुक देता है ये जो इसका इंटरफेस है। तो आज की वीडियो में ये कुछ टिप्स थे जिसकी वजह से आप फोन को काफ़ी यूनिक तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए डेली 2 वीडियो लाते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।